देगा संस्कृत सम्मेलन में। और इन संस्कृत सम्मेलनों में सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों को ये दूसरों को देख के लगता है कि हम संस्कृत में हैं, क्योंकि लोग इसको मान रहे हैं कि संस्कृत जीवन में कोई उपयोगी विषय नहीं है। लेकिन जब एक साथ बच्चे दूसरों को देखते हैं तो उनको लगता है कि हम अकेले नहीं, हमारे जैसे और भी बहुत से बच्चे जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी इस बात की चिंता की है कि अगर जो संस्कृत विषय बच्चों के जीवन में कहीं उपयोगी साबित नहीं होगी तो निश्चित ही ये भाषा विलुप्त हो जाएगी और उसको पढ़ने वाले लोग नहीं बचेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसमें ये पहल की है, मैं इसका मंत्रालय मेरे पास है और मैंने कोशिश की है कि योग विश्व के कोने कोने पहुंच चुका है। अब इसमें योग शिक्षक तो अमेरिका का, पाकिस्तान का, कनाडा का, वहीं का बच्चा योग शिक्षा बन जाएगा, उससे हमको लाभ नहीं होगा। जैसे अंग्रेज हमारे देश में अपनी संस्कृति दे गए, अपनी भाषा दे गए, ऐसे ही हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि उत्तराखंड में अब आने वाले समय में योग शिक्षक वही बनेगा जिसको संस्कृत का ज्ञान हो, जो संस्कृत में आचार्य की डिग्री जिसने दी हो, वह व्यक्ति योग शिक्षक बनेगा, ऐसा हमने प्रस्ताव पास किया हुआ है। इस नाते मैंने ये विषय कर लिया जो हमें सबके से संभवतः लागू होगा जी। अच्छा, इसके काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा बात करें तो गुजरात और हिमाचल के गाँव आए, नतीजे आ गए हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की जनता का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने राष्ट्रवाद को और मोदी जी के अच्छे कामों पर मोहर दी है, मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है।